ऐसे ही जो है एक एक और कथा में ध्यान आई। एक बार एक सेठ जी कहूँ कथा सुनवेगा, सुबह जाते सो जाते कथा में, अब एक सो गए तो सो तुम्हें वे कथाई में सपने देखने लगे। सो उनकी दरअसल दुकान हकी कपड़न की, सो कथा में बैठे बैठे कपड़ा बेचन लगे। सो कथा में कपड़ा बेचन लगे तो एक ग्राहक आओ, बोलो जेठ जी कपड़ा दें। अब जी बैठी है कथा में सो रहे सपने में देख रहे, ग्राहक आओ कपड़ा चाहिए। इन्होंने कपड़ा की थान निकाली, देखो उसने कपड़ा देखा पसंद किया, बोले कैसे, बोले 5 रुपया मीटर। ग्राहक बोला नहीं 4.5। ये बोला नहीं 5। अरे बोले नहीं नहीं 4.5। ग्राहक बोला 4.5 में लेंगे। आ सपने में चल रहा, आ ग्राहक जाने लगा तो इन्होंने कपड़ा उठाया है तो ये सपने में, पर सामने मारो एक आदमी जो इनके और श्रोता बैठो तो वो बैठो तो बढ़िया मस्ती में बैठो तो कथा ध्यान से कुर्ता पहरे तो आदमी को लगे। तो जे सपने में हते इनके जान जो कपड़ा तो दो उनको कुर्ता है सो उठा, बोले ले जा 4.5 में, ले जा 4.5 में दोनों हाथ पसार और आगे वाले भक्त का कुर्ता दीनों पार। तो जाओ फट गाओ सो आगे कहा कर रहा है। अरे बोले थे अरे कया जगह आता हूँ ग्राहक और भक्त बोले तमाम ग्राहक भक्त होते करता भटकाओ, बोले ले जा 4.5 में दो हाथ पसार तो आगे वाले भक्त का कुर्ता दी। लो ऐसे भी है भैया, ना बताओ ऐसे भी भक्त हैं। कथा में जब भी बैठो बड़ी गंभीरता से बैठो, इसलिए लिखा जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिया, इंद्रियों को जीतो साथ